नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो, या फिर आपने अभी हाल ही में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 वॉच टाइम आवर, 4000 घंटे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, बहुत ही मान लीजिए सिंपल तरीके से आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जिसको आजमा कर आप अपने YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे मात्र 10 से 15 दिन के अंदर इजीली कंप्लीट कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर आप भी YouTube से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने YouTube चैनल को प्रमोट कराना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में Instagram का लिंक दिया जा रहा है। Instagram के माध्यम से आप अपने चैनल की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो, ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे, आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे कि नए क्रिएटर के लिए आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे, जो अगर आप अपने वीडियोस के अंदर आजमाते हो तो आपके चैनल के ऊपर 4000 वॉच टाइम आवर बहुत ही आसानी से, और आज तक आपको ये ट्रिक्स किसी ने भी नहीं बताई होगी, और सिंपल तरीके से आप अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे 7 से 10 या मैक्सिमम हम कह सकते हैं 15 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर आप भी यूट्यूब से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप YouTube के प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, अभी आपने नया YouTube चैनल बनाया, तो सबसे पहला जो YouTube का नियम है कि अगर आप YouTube के वीडियोस बना रहे हो तो आपकी जो वीडियोस की स्टार्टिंग है वह बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि आपको अपने वीडियोस की स्टार्टिंग इस प्रकार से करनी है कि ऑडियंस आपसे जुड़ी रह सके और लंबे समय तक आप ऑडियंस को कनेक्ट कर रख सको, यानी कि अपने वीडियोस के ऊपर रोक कर रख सको। तो स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी है, साथ ही साथ वीडियो का इंट्रो भी आप बना सकते हो, जिससे आप वीडियोस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप बताना चाह रहे हो वो ब्रीफ में आप अपने स्टार्टिंग में आप बता दो, जिससे 30 सेकंड, 40 सेकंड या 50 सेकंड तक आप अपना इंट्रो बता सको, जिससे ऑडियंस के अंदर उत्सुकता पैदा रहे और वो आपके वीडियोस के ऊपर बिल्कुल कनेक्टिविटी बनाकर रह सके और आपके वीडियोस के ऊपर लंबे समय तक वो समय बिता सके, जिससे आपके वीडियोस का बिल्कुल ऑडियंस रिटेंशन हाई रहेगा और वॉच टाइम आवर भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा और आपका वीडियोस ऑटोमेटिकली वायरल होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग आपको स्ट्रांग रखनी है और वीडियोस के अंदर आप स्टार्टिंग के अंदर कोशिश यही कीजिए कि ब्रीफ में अपना वीडियोज का इंट्रो आप बनाइए कि वीडियोज के अंदर आप क्या जानकारी बताना चाहते हो, जिससे आप कम से कम 30 से 40 या 50 सेकंड आप ऑडियंस को अपने वीडियोज के ऊपर रोक कर रखेंगे, जिससे जितनी ज्यादा आप कोशिश करोगे ऑडियंस को रोकने की, जितने समय तक आपकी ऑडियंस आपके वीडियोस के ऊपर बनी रहेगी उतना ज्यादा ही वॉच टाइम आवर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा और आपका वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन भी हाई होता चला जाएगा। दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे वीडियोस का टाइटल सर्चेबल होना चाहिए। टाइटल और टैग हमारी एक अहम भूमिका निभाता है, यानी कि जो भी वीडियोस आप बना रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, कोशिश यही कीजिए कि उस वीडियोस का जो टाइटल आप रखो वो सर्चेबल हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च किया जाता हो, गूगल के ऊपर सर्च किया जाता हो, फेसबुक के ऊपर सर्च किया जाता हो, या फिर अदर किसी सोशल साइट्स के ऊपर वो बार बार सर्च किया जाता हो। तो अगर आप अपने वीडियोस का सर्चेबल टाइटल रखोगे तो आपका वीडियोस टॉप रैंक में आता चला जाएगा, बार बार रैंक करता चला जाएगा और डेफिनेट आपके वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी और वॉच टाइम आवर भी उसी तादाद में आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सर्चेबल आपको टाइटल अपना रखना है, साथ ही साथ मिलते जुलते कुछ सर्चेबल टैग भी आप अपने रख सकते हो, जिससे आपका वीडियोस रैंक करने में आपकी बहुत ही बड़ी ये मान लीजिए अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो थंबनेल बेस्ट बनाना है आपको, यानी कि आप जो भी वीडियोस बना रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, कोशिश ये कीजिए कि प्रत्येक वीडियोस का थंबनेल आपको बेस्ट बनाना है, साथ ही साथ प्रोफेशनल थंबनेल आपको बनाना है, यानी कि देखने वाले को ये लगे कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर काम करते आपको काफ़ी समय हो चुका है और YouTube के ऊपर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो आपको अपना थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, साथ ही साथ प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को खींच कर ला सके और मजबूर कर दे आपके वीडियोज़ को ओपन करने पे। तो थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, साथ ही साथ प्रोफेशनल थंबनेल बनाने की कोशिश करिए, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो और YouTube के बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वीडियोज के अंदर आपको एंड स्क्रीन जरूर लगानी है। यानी कि एंड स्क्रीन का काम क्या होता है, जो भी ऑडियंस हमारे वीडियोज को कंप्लीट वॉच कर रही है तो हमारे प्रत्येक वीडियोज के खत्म होने से पहले हम 20 सेकंड से पहले एंड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्क्रीन के माध्यम से हम हमारे पुराने वीडियोज का थंबनेल हमारे वीडियोज के अंदर लगा सकते हैं, जिससे जो भी ऑडियंस हमारे दूसरे वीडियोज के ऊपर जाना चाहे तो एंड स्क्रीन के माध्यम से उस वीडियोज के ऊपर डायरेक्टली जा सकती है, जिससे हमारे वीडियोज का वॉच टाइम और भी इंक्रीज होगा, व्यूज भी हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे और जिन ऑडियंस को हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी वो वीडियोज को लाइक भी करते चले जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और पांचवा पॉइंट है, वो सबसे अहम है, यानी कि हमारी क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, सभी नए क्रिएटर को क्वालिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और क्वालिटी के ऊपर ये मान लीजिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है। क्वालिटी का मीन्स है वीडियो क्वालिटी आपको बेस्ट रखनी है, ऑडियो क्वालिटी आपको बेस्ट रखनी है। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट है और ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, जो भी जानकारी आप देना चाह रहे हो वो बिल्कुल आपकी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही, बिल्कुल आपकी नॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आपका वीडियो बिल्कुल डेफिनेट नहीं चलने वाला। और इसी प्रकार से आपकी ऑडियो क्वालिटी वेल है, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, जो भी जानकारी आप दे रहे हो बहुत अच्छे तरीके से सबको सुनाई दे रही है, सभी को समझ में आ रही है, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो वो बिल्कुल धुंधलापन आया, किसी को देखने को नहीं मिल रहा और बिल्कुल वो किसी भी प्रकार से मान लीजिए व्यूज नहीं कर पा रहे, तो आपका वीडियोस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। साथ ही साथ सिंपल लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑडियो क्वालिटी आपको बेस्ट बनानी है, साथ ही साथ आपको अपनी वीडियो क्वालिटी को भी बेस्ट बनाना है और वीडियो के अंदर इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो कि बिल्कुल सिंपल हो, सभी वर्ग के लोगों को इजीली समझ में आ जाए। जो भी ऑडियंस है आपकी वीडियोस को वॉच कर रही है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, यानी कि जो भी ऑडियंस आपके वीडियोस को ओपन कर रही है वो किसी भी उम्र की हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो आप नहीं जानते, क्योंकि भैया वीडियोस तो कोई भी देख सकता है। तो आपको अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर इस प्रकार के सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो कि सभी वर्ग के लोगों को, जो भी ऑडियंस आपके वीडियोस को वॉच कर रही है वो चाहे भी किसी भी वर्ग के हो, सभी वर्ग के लोगों को इजीली समझ में आ सके और आपके वीडियोस को देखने के बाद में, आपके लैंग्वेज को समझने के बाद में वो आपके वीडियोस को लाइक भी कर सके और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सके। जी हाँ दोस्तों, जितने भी नए क्रिएटर हैं अगर अपने वीडियोस के अंदर, अपने चैनल के अंदर ये पांच बदलाव अगर वो लागू करते हैं और ईमानदारी से इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो डेफिनेट वो 4000 वॉच टाइम आवर मात्र 5 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो 15 दिन के अंदर वो इजीली बहुत ही आसानी से कम मेहनत के अंदर, ये मान लीजिए अपने 4000 घंटे अपने चैनल के ऊपर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर वो भी YouTube से बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपने नया YouTube चैनल बनाया है तो आप मेरे कहने पर अपने चैनल के अंदर ये बदलाव करके देखिए और मात्र 15 दिन आप ये बदलाव करिए और ईमानदारी से आप अपने ये मान लीजिए सारे के सारे वीडियोज़ के अंदर ये सारी सारी चीज़ें लागू करिए और 15 दिन के बाद में आप मुझे कमेंट्स करिए कि आपको अपने चैनल के अंदर, आपको अपने वॉच टाइम आवर के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिला है और कितना ज़्यादा वॉच टाइम आवर आपने इन 15 दिन के अंदर गेन कर लिए, जिससे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोग, जितने भी नए क्रिएटर हैं सभी लोग कर सकें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा YouTube के प्लेटफॉर्म पर, ये मान लीजिए अपने इन्फॉर्मेशन डालकर पूरी दुनिया तक पहुँचा सके और YouTube से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सके। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि जितने भी नए क्रिएटर हैं उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 वॉच टाइम आवर बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय में बिल्कुल कंप्लीट कर अपने चैनल को मोनिटाइज करा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।